तर्जा बता दें के मेला सवनवा ने मैया जिस वक्त भगवान राम वनवास के लिए जाते हैं सिंहवेपुर सुरसर की किनारे पहुंचे कहना है मास्टर केवट से कहे लभुरैया केवट से कहे लभुरैया उतारा पार नैया केवट के सामने विनती करते हैं काहे केवट और गहरी नदिया यगम जलधार कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े और जाना था गंगा पार तो केवट की नाव चले गहरी नदिया यगम जलधार आपकी जो उतराई होगी हम देंगे लेकिन हम तीनों प्राणी पार के जा अरे जवन होई दे उतरैया उतार अरे प्रभु बड़े मामले तो गड़बड़ी हो तोरे चरणिया में बाजा तू तो हमने सुना है कि तोरे चरण में ऐसा जादू है कि छुअत शिला भई नारी सुहाई तोरे चरण छुए से पथरा मेहरारू बन गए कोई हमारे लकड़ी के नाव आई कहूँ मेहरारू बन जाए मामला गड़बड़ाई है यही के कमाई हम खाए थे यही मेहरारू बन जाए देगा कहाँ से कमाए खाऊ गए कहे कह नैया न बन जाए लुगैया अरे नैया न बन जाए लुगैया उतार पार नैया सोचे
के नैया से पार न करी हम ओ पार कैसे जाब कहा था काहे के बट जैसे तो का संतुष्टि हो संतुष्ट हो जाए लेकिन हम तीनों प्राणी के पार के जा केवट उस वक्त बाबू जी करता है क्या समय को ध्यान देते हम आठ मिनट में खत्म करें कोशिश कर चरण भगवान का धो लेता लेकिन बाबूजी कहना है कि गंगा जल से चरण नहीं होया भगवान राम का पानी कठौता भर लिया बा और पानी कठौता में भर लिया ये हमारे महान क्षेत्री हविराज सुमन जी के देने कहना है सुमन जी की खोज है कि भगवान राम का चरण गंगा जल से जो है पानी कठौता भर लिया बा और पहले तू अपन चरण धोवा कहे कठौता न बनी जब लुगैया कठौता हमार लकड़ी गया जब मेहरारू न बनी तब तोके पार करम नहीं तो नाव पूछ के छुए नहीं देवे का कहा काहे कठौता न बनी जब लुगैया उतार पार नैया तीन जाता है घर और पानी ले आया और चरण तीनों प्राणी के चरण धोया धोने के बाद चरण अमृत लिया पूरे परिवार को जाकर प्रसाद दिया इसके बाद आता है तीनों प्राणी को पार उतार जिसे पार उतारे सीता जी सोचने लगी आज स्वामी के पास उतराई देने के लिए पैसे नहीं कहा कि मरी मन मुदित उतारी की मुंदरी पहन रहा है उतार के भगवान राम के दिया कि मरी मुदरी मन मुदित उतार कि मुंदरी देखते मान केवल विचार करने लगा गरीब बाप ने मुंदरी ले तो वहां सत्या ना तो ये इसलिए मुंदरी को नहीं लिया ना ले करके करता क्या और देख कर क्या केवट मन में विचार हम का न चाही उतरैया जो जानता था जिस वक्त मणि को श्राप दिया गया था वो मणि श्रापित थी जिस वक्त श्राप दिया गया था बाबूजी वह केवट वहां का पहरेदार था देखते मान जान गया कि ये मणि श्रापित ही हमारे पास आई तो सत्य कहे कि जगरे जगरे पास के होकर सत्य कहां तक गए के केवट मन में विचार चाही उतरैया उतार पार नैया
तीनों जने के प्रहार किया। पार करने के बाद जिस वक्त उतराई देने लगे, कहा प्रभु हमका उतराई न दे, बल्कि एक तू अपने पास रख के रहा, एक काम कर जैसे तो काम इस नदिया से पार गई तो हमका भाव से पार कर दे। बस भेद नहीं बताया कि हम मुंदरी काहे लेने ले, आखिर हमें छोटे लालो जी स्वर्ग सिधारे।